अयोध्या के थाना कैंट क्षेत्र में सोमवार को हुए चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने वायरल वीडियो में सामने आए अयोध्या धाम के साधु अवधेश शरण दास को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेनदेन में सोमवार शाम को कैंट थाना क्षेत्र के शहादतगंज के पास हाईवे के किनारे दो पक्षों में चाकूबाजी हुई थी, जिसमें तीन लोग घायल हुए थे। तीनों को जिला अस्पताल में इलाज करवाया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी साधु अवधेश शरण दास को गिरफ्तार कर लिया है। चाकूबाजी के बाद एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दो साधु की फुटेज सामने आई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दो युवक जिनके नाम कुणाल सिंह और दिव्यांश उपाध्याय है, इनके बीच पैसे के लेन देन का विवाद था। उसी विवाद के निपटारे के लिए कुणाल सिंह अपने दो अन्य साथियों के साथ शहादतगंज चौकी क्षेत्र, जो कि थाना कैंट के अंतर्गत आता है, वहां आया था। और दिव्यांश उपाध्याय की तरफ से भी कुछ लोग वहां आए थे। आपस में विवाद हुआ और इसी विवाद में दिव्यांश उपाध्याय के पक्ष से आए हुए लोगों ने इन तीन युवकों पे हमला कर दिया और धारदार हथियार की चोट जो चोटी पक्ष है उसको लगी। इनको तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहां इनकी हालत बिल्कुल सामान्य है और डॉक्टरों ने इनको खतरे से बाहर बताया है और जल्द ही इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इस घटना का एक वीडियो आया, वीडियो को तत्काल जनपद पुलिस के ग्रुप में सर्कुलेट कराया गया और तुरंत चेकिंग कराई गई। चेकिंग के दौरान उसमें से एक अभियुक्त, जिसकी पहचान अवधेश शरण दास के रूप में हुई है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। उससे पूछताछ हुई है। उसने सारे अन्य नाम जो वहां मौके पर आए थे दिव्यांश उपाध्याय के पक्ष से, उनके नाम बता दिए हैं और पुलिस टीम इन सबकी तलाश कर रही है।